नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट आइडियाज और मैं हूं आपके साथ शक्ति मिश्रा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आया हूं दीप विजय इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद में। आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं इन्फॉर्मेशन कॉटन वीक बनाने की मशीन, जो है आप सामने देख सकते हैं कैसे इस मशीन के जरिए आप कॉटन की वीक बना सकते हैं, किस तरह से ये बिजनेस काम करता है, किस तरह से ये मशीन काम करती है, कैसे इसकी शुरुआत कर सकते हैं, देखते रहिए मेरे साथ और जानते हैं इस बिजनेस के बारे में पूरा। शुरू करने से पहले करूंगा एक रिक्वेस्ट, आप अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की जो कॉटन की वीक है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कुछ जो है कॉटन के वीक हैं। आप जानते हैं कि ये हर जगह यूज में आता है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, हर जगह कॉटन वीक का जो है उपयोगिता तो होता ही है। चाहे वो पूजा के क्षेत्र में ले लें या श्रद्धा के क्षेत्र में ले लें, इन क्षेत्रों में जो है कॉटन विक्स का उपयोग काफी भारी मात्रा में किया जाता है। पहले हाथ से बनाए जाते थे ऐसे कॉटन विक, लेकिन दीप विजय इंडस्ट्रीज ने इसके अंदर एक इनोवेशन किया है और मशीन जो है डेवलप किया है। ये इनका पेटेंट मशीन है जो कि इन्होंने इंडिया के अंदर बनाया है, और इस मशीन के जरिए अगर आप इसकी बनाते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। और किस तरह से ये मशीन काम करती है और कितना इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बारे में अब मैं डिटेल आपको बताता हूं। दोस्तों, अगर हम इस मशीन की बात करें तो ये मशीन 3 से 4 किलो रुई की जो है बत्ती यानी कि कॉटन की वीक एक दिन में बना सकती है। बात करें अगर हम मशीन की तो 12 किलो की ये मशीन है और सिंगल फेस बिजली पे, घरेलू बिजली पे चला सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एक छोटा मोटा लघु उद्योग या छोटा मोटा प्लांट अपने घर में 2-4 मशीन एक मशीन लेकर शुरू कर सकते हैं और आप इसका अच्छा खासा एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट की बात करूं तो 3 किलो रुई की कीमत करीब 300 रुपए, 5 रुपए की बिजली रोज की, यानी कि 305 रुपए प्रति 3 किलो मैं बता रहा हूं, क्योंकि एक दिन का कैपेसिटी इस मशीन का 3 से 4 किलो है। सो रोज आप 3 से 4 किलो, तो मैंने 3 किलो पकड़ा हुआ है इसमें जो है मिनिमम प्रोडक्शन। 3 किलो प्रोडक्शन के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आप एक दिन के अंदर कर सकते हैं और 305 रुपए का आपका लागत आएगा। अगर हम 2 रुपए और 5 रुपए ऊपर पकड़ते हैं इसके ऊपर पैकिंग का कॉस्ट, तो 310 रुपए के आसपास आपका जो है टोटल 3 किलो रुई के ऊपर इसके अंदर आपकी लागत आती है। 310, 315, 320 अगर हम मैक्सिमम पकड़े तो आपको 3 किलो रुई के ऊपर ऐसी वीक बनाने की लागत आएगी। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर अगर आप इस तरह का पैकिंग करते हैं, इसका नॉर्मल जो पैकिंग है, इस तरह का पैकिंग आप करना चाहते हैं, 120 ऐसे पैकेट आप 1 किलो में, तो 3 किलो में 360 पैकेट ऐसे आप बना सकते हैं। लागत आएगी 320 के आसपास आपको 360 पैकेट बनाने का। 300 × 10 = 3000 रुपए का जो है ये प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अगर ये जो है रिटेल का मैंने आपको रेट बताया है कि रिटेल शॉप पे 3000 की प्रोडक्ट बन जाएगी जो हमारी प्रोडक्ट है 320 रुपए की। अगर हम होलसेलर की बात करें, अगर आप होलसेल को सप्लाई करना चाहते हैं, आप 600-700 रुपए में आसानी से इस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हैं होलसेलर को। होलसेलर को बेचने से आपकी जो खपत है वो ज्यादा हो जाती है, बशर्ते इसके कि आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, ध्यान से इस मशीन की ट्रेनिंग ले लें। दूसरी बात यह है कि आप यहां पर दीप विजय इंडस्ट्रीज में आकर इनकी जो कोटिंग आप देख सकते हैं, कलरफुल जो है कोटिंग की गई है इस तरह के जो विक्स हैं इनके, सो यहां से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं कि किस तरह से इनकी जो है कलरफुल कोटिंग कर सकते हैं। नॉर्मल पैकिंग के साथ इस मशीन को आप आसानी से बेच सकते हैं। आप चाहें तो कुछ इस तरह के डब्बे बनाकर इन वीक को बेच सकते हैं। कम से कम मुनाफा जो है इस मशीन में रोज का आप 700 रुपए से 1000 रुपए तक रोज आप इस मशीन के जरिए कमा सकते हैं। 31,000 प्लस GST जो है इस मशीन की कीमत है, बाकी कुछ बार्गेनिंग है तो आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अगर बिजनेस की बात करें, एक बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस हो सकता है, महिलाओं के लिए ये बिजनेस वरदान साबित हो सकता है। वो घर पर बैठ के विक्स बना सकती हैं, पैकिंग कर सकती हैं और मार्केट में सप्लाई करके अच्छा खासा मुनाफा इस बिजनेस के जरिए कमा सकती हैं। उन्होंने इनोवेट किया है इस मशीन को और इस मशीन के लिए दीप विजय इंडस्ट्रीज को राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला है। जब मुझे ये वीडियो बनानी थी तो मैंने ऑल ओवर इंडिया बहुत सर्च कर रहा था कि मुझे सबसे बढ़िया मशीन कहाँ मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया सर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि दीप विजय इंडस्ट्रीज ने जो है इसका इनोवेशन किया है, इसीलिए यहाँ पर आकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मशीन की बात करें तो ये मशीन काफ़ी इजी टू यूज़ है। अगर आपकी हाथ यहाँ पे फंस भी जाती है तो सेफ्टी का खास ख्याल रखा गया है। कोई भी महिला अगर पहली बार इसको यूज़ कर रही हैं, प्रयोग में ले रही हैं, तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनका जो है सेफ्टी का काफ़ी ख्याल रखा गया है। यहाँ से हाथ आपका बिल्कुल कटने, छटने या डैमेज होने का कोई संभावना नहीं है। प्रोडक्शन की बात करें, जैसे जैसे आप इसकी प्रोडक्शन करते जाएंगे आपके हाथ की स्पीड बढ़ती जाएगी, उसी तरह से आप इसकी प्रोडक्शन भी आगे चलकर तेज़ी से कर पाएंगे।
अभी मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग कॉटन विक के मशीन के बारे में बताऊंगी। लॉन्ग कॉटन विक मशीन भी राउंड कॉटन विक के मशीन की टाइप ही रेगुलर प्लगिन से वो स्टार्ट होता है। ये आप देख सकते हो, इसके लिए आपको कोई भी अलग से प्लगिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक प्लग लगा दिया, ये स्विच ऑन कर दिया और यहाँ पर एक स्विच दी गई है, उससे डायरेक्टली मशीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और हम डायरेक्टली लॉन्ग कॉटन विक्स बना पाते हैं। आपने लॉन्ग कॉटन विक मशीन से लॉन्ग कॉटन विक्स कैसे बनती है वो आपने देखा। उसके प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इस मशीन में 6 to 8 hours में 2 kg का प्रोडक्शन होता है, यानी कि 1 kilo में 10 to 12 thousand कॉटन विक्स, यानी कि 10 to 12 thousand बत्ती बनेगी। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इस टाइप की ये कॉटन विक्स बनेगी, देखने में भी वो कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। हम हाथ से बनाएंगे तो वो इतनी फिनिशिंग वाली, इतनी सेफ वाली कॉटन विक्स नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो इस प्रोडक्शन से आप करीबन, मैं बता सकती हूँ कि 1 kilo पर 500 rupees से लेके 700 rupees तक का प्रॉफिट ले सकते हो, सब कुछ निकाल के, कॉटन निकाल के, उसका इलेक्ट्रिक कंजप्शन निकाल के। इलेक्ट्रिसिटी का इसका जो बिल, जो रेगुलर बिल जो आता है वो महीने का 80 rupees से लेके 100 rupees तक ही आएगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा। कोई भी पुरुष हो या महिला, वो अपने घर पर आराम से ये मशीन परचेज करके अपना एक छोटे बिजनेस से लेके अपने बड़े बिजनेस तक जा सकते हैं और इजीली ये मशीन ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसी मशीन में बनाई बत्ती को आप इस टाइप से वैल्यू एडेड करके, यानी कि इसको कलर करके भी मार्केट में दे सकते हो। आप देख सकते हो कि ये कलर की गई बत्ती जो है वो दिखने में कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। तो इस टाइप से आप जितना चाहो इसमें आप फ्रेग्रेंस ऐड करके भी आप मार्केट में दे सकते हो, जितना वैल्यू एडेड करोगे। पैकिंग में भी आप सिंपल प्लास्टिक की पन्नी में पैक करोगे तो उसका उतना प्रॉफिट ले सकते हो, इस टाइप के बॉक्सेस में आप पैक करोगे तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो इस टाइप से आप एक मशीन से बनाई हुई एक छोटी बत्ती को जितना वैल्यू एडेड करके मार्केट में बेचना चाहोगे इतना बेच सकते हो। तो मैं इतना आपको बता सकती हूँ दोस्तों कि आप ये कॉटन विक्स जो रेगुलर डिमांड है लोगों की, घर घर पे, मंदिर में, मार्केट में, जितनी भी उनकी डिमांड है उसको आप जितना वैल्यू एडेड करोगे उतना प्रॉफिट ले सकते हो। स्मार्ट आइडिया से मिस्टर शक्ति का भी स्पेशली थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने भी यहाँ पर आके हमारे मशीन्स के लिए इतना टाइम निकाल के हमारे मशीन्स को लोगों तक पहुँचाया है। थैंक यू। निशा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सारा इन्फॉर्मेशन मुझे इतने प्यार से दिया है। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए लघु उद्योग और स्मार्ट आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए स्मार्ट आइडियाज और अपने माता पिता का कभी दिल न दुखाएं। जय हिंद।